स्मार्ट मीटर में जिस तरह का घोटाला है उससे आम लोग परेशान हैं, बिहार भर में लोगों को परेशानी हो रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है, एकाएक बिल आ जाता है 10,000, किसान कहाँ से जमा करे। तो मिली भगत है इंजीनियर और ठेकेदारों का। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां जहां वो जनसभाओं और कार्यक्रमों में जा रहे हैं वहां पर वो एक ही मुद्दे पर जोर दे रहे हैं कि बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर केवल जनता को लूटने का जरिया है। अखिलेश सिंह ने ये आरोप लगाया है कि इन स्मार्ट मीटरों के जरिए जनता से वसूली की जा रही है, राशि का बंदरवांट हो रहा है और इसका फायदा वर्तमान सरकार उठा रही है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ सेवा दल ने एक सप्ताह पहले यात्रा शुरू की थी, आज गया में उसका समापन होना है। स्मार्ट मीटर में जिस तरह का घोटाला है उससे आम लोग परेशान हैं, बिहार भर में लोगों को परेशानी हो रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है, एकाएक बिल आ जाता है 10,000, किसान कहाँ से जमा करे। तो पहले वाला मीटर चाहिए और ये जो मिली भगत है इंजीनियर और ठेकेदारों का, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज जा रहे हैं। अच्छा सर, दूसरी सवाल है सर, इन दिनों कई दल है जो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि यात्रा पार्टी अपने हित में कर रही है? यात्रा करें, लोगों से जन सरोकार बनाए तो अच्छी बात है, यात्रा पर कोई चीज खिलाफ हम लोग थोड़ी बोले। बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के कई जिलों में जाकर जनता से सीधे संवाद किया और स्मार्ट मीटरों के खिलाफ अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर व्यापक जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। समापन हो रहा है और समापन कांग्रेस कार्यालय में होगा। हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि वहाँ आइए और समापन समारोह को सब लोग कवर भी करिए और उसमें आपका भी मीटर पर ज्यादा आ रहा होगा, इसे इस आंदोलन में साथ भी दीजिए। सर आरजेडी भी ऐलान किया है सर, पूरा फिर इंडिया गठबंधन भी करेगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने पहले शुरू किया, पहले बेतिया में हुआ, फिर नवादा में हुआ, चंपारण में हुआ, फिर ये यात्रा एक वीक से लगातार सेवा दल के लोग चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस आएगी तो बर्बाद कर देगी, 370 लाना चाहती है कश्मीर में, ये सब पीएम मोदी ने बयान दिए। तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। और हरियाणा का लोग मन बना लिया है 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुकेश सहनी ने कहा है नीतीश कुमार बुरा हो रहा है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग भी फील करते होंगे। बहरहाल अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि स्मार्ट मीटर का उद्देश्य जनता से अधिक वसूली करना और इसे नेताओं और अधिकारियों के बीच बांटना है। ये योजना सिर्फ जनता को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लाई गई है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सरकार जनता को स्मार्ट मीटर के नाम पर गुमराह कर रही है और इसकी वजह से बिजली दरें अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।